10, yeah, 15, 20, 25, 30, yeah, get the money, throw it in the furnace, yeah, this shit be funny, earn it, just to burn it. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम आए हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो है मुंबई की शान और वर्ल्ड्स नंबर 4th पे आता है। सो जो लोगों ने कभी मुंबई एयरपोर्ट को अंदर से देखा नहीं है, वो ये वीडियो को एंड तक देखिए एंड स्किप नहीं कीजिएगा। सो इससे पहले आप मुझे स्किप कर दें, लेट्स गो इनसाइड। तो गाइज़, आप जैसे देख सकते हो मैं अंदर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको आके अपने काउंटर से बोर्डिंग पास कलेक्ट करना है, जो भी फ्लाइट की टिकट आपने निकाली है, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट। तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे सबके काउंटर्स है। एंड मेक श्योर आप एक से डेढ़ घंटे पहले चेक इन करो, क्योंकि आपको आधे घंटे पहले अपने बोर्डिंग के लिए रहना पड़ता है। अगर आपने बिजनेस क्लास की टिकट ली है तो आपको यहाँ पे रेस्ट करने का मौका मिलता है। सो सी कितना अच्छा है रेस्ट के लिए यहाँ पे। सो गाइज, ये है मनी एक्सचेंज। तो यहाँ का जो एक्सचेंज रेट होता है काफ़ी हाई होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ से ना कराए। फिर आपको अपना बोर्डिंग पास लेके यहाँ पे आना है चेकिंग के लिए, एंड देन आपको अपना पास यहाँ से लेके अंदर चेकिंग करना है। सो गाइज, अंदर ही आने से पहले सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है कि आप अपने साथ अपनी मेडिसिन वगैरह कैरी कर ले, बिकॉज यहाँ पे मेडिसिन की एक भी मेडिकल नहीं है। सो मेक श्योर आप अपनी क्रोसिन वगैरह आपको या आपकी जो पर्सनल दवाई है याद से ले लीजिए, क्योंकि एक बार आप एयरपोर्ट में अंदर हो जाते हो तो आपको कोई मेडिकल नहीं मिलेगा। सो गाइज, चेकिंग करके हम फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके, तो मैं आपको नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। सो गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं नीचे चेक इन करने के बाद। तो जैसे हम अंदर एंटर होते, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दिखेगा गो ग्रीन जी, देख सकते हो। यहाँ पे आप अच्छी फोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर सकते हो आते साथ ही, एक एयरपोर्ट की मेमोरी के तौर पे बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते हैं। एंड ये है आई लव मुंबई। तो गाइस, अंदर आते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे हेड करना है, वो है इंडिकेटर की तरफ। सो यहाँ पे आके आपको आपका बोर्डिंग पास निकालना है, एंड चेक करना है कि आपके कौन से गेट पे आपकी फ़्लाइट लगी है। देन अगर आपको कोई भी क्वेरीज या इश्यूज है, यहाँ पे हेल्प डेस्क मिल जाएगा आपको, तो आपको आपके सारी इश्यूज़ रिजॉल्व करने के लिए ये। देन मैं आपको सारे ब्रांड्स का दिखा देता हूँ। ये सारे ब्रांड्स है एयरपोर्ट पे, यहाँ पे ऐसा कार का प्रमोशन वगैरह भी चलता है। ये हमारा बग्गी पॉइंट है, तो अगर आपके साथ कोई भी ओल्ड एज पर्सन है तो उनके लिए फ्री है, अदरवाइज़ आपको पे करना रहता है इसके लिए। देन ये है सुपर ड्राई का ब्रांड, स्केचर्स, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ अच्छे अच्छे ब्रांड देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये है सनग्लास हट, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रैपर्स वगैरह आते हैं अपने लिए शॉप करने के लिए। हर्ष पपीज़ वगैरह भी हमारे पास, यहाँ पे बग्गीज़ वगैरह खड़ी है, लैकोस्टे है। एंड अगर आप एयरपोर्ट पे आए हो एंड आपके पास कैश वगैरह आपने नहीं कैरी किया है, तो हमारे को एक एटीएम भी देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको एटीएम मिल जाएगा गाइस। गाइस, ये है फुटवेयर का लग्जरी ब्रांड स्टीव मैडन, तो इसके अंदर का मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये इनके कलेक्शंस है। यहाँ पे मैं हूँ। बैग्स के लिए दामिलानो वगैरह है, बुक स्टोर है, बर्गर किंग है सामने, जूट वगैरह है। अगर आपको कोई बच्चों को खिलौना गिफ्ट करना है, तो हमारे पास हैमलीस का टॉय स्टोर भी है यहाँ पे एयरपोर्ट पे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आप खिलौने वगैरह ले सकते हो। सो ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ल्ड वाइड ब्रांड है हैमलीस। गाइज, हमारे पास रिलायंस डिजिटल है यहाँ पे, अगर आपको कोई फ़ोन वगैरह या हेडबर्ड्स वगैरह चाहिए रहेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअल प्राइस में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, जैसे आप लोगों को अगर भूख वगैरह लगती है एंड एयरपोर्ट पे खाना काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो हमारे पास है वेंडिंग मशीन, यहाँ पे आपको चिप्स वगैरह बिस्किट काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। कार्ड, कैश, UPI सब है यहाँ पे। सो ये है हमारी वेंडिंग मशीन। सो गाइस, ये एयरपोर्ट पे एक लौता सैलून है, इन केस अगर आप अपनी बाल दाढ़ी कराना भूल चुके हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। सो यस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सैलून है, आप देख सकते हो गाइस। सो गाइस, ये है फूड कोर्ट, तो फूड कोर्ट में आप देख सकते हो अभी तो पूरा खाली है क्योंकि रात का टाइम है, बट ये पूरा सुबह के टाइम में फुल रहता है। एंड यहाँ पे जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जैसे
और यहाँ पे आप अपने फ्लाइट के साथ देख के आराम से बैठ के भी खाना खा सकते हो। सो गाइज, ये है कोको कार्ट, जहाँ पे सारे वर्ल्ड की इम्पोर्टेड चॉकलेट्स मिलती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है चॉकलेट्स वगैरह के लिए। एंड देन इसके ठीक सामने आपको स्टारबक्स मिल जाएगा, तो हमारे पास लाइक स्टारबक्स है अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो। सो गाइज, ये है हमारा गार्डन एरिया, सो देख सकते हो यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो गाइज, जैसे अगर आपके फ़ोन की बैटरी लो है और आपको कहीं पे चार्ज करना है, तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह भी मिल जाएगा। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सब चार्जिंग पॉइंट्स है, एंड ये आपको गेम खेलने के लिए पीसीज वगैरह भी मिल जाएगा, जिसमें आप गेम्स वगैरह खेल सकते हो आराम से बैठ के। या एंड गाइज, इसका भी कोई चार्जेस वगैरह आपको पे नहीं करने, टोटली फ्री है फ्रॉम एयरपोर्ट। सिंस आप देख सकते हो यहाँ का पैसेज कितना लंबा है, तो हमारे पास ये भी है। सो आप देख रहे हो गाइस, हम आराम से खड़े खड़े ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे। देन आपको हर एक गेट्स के पास वेंडिंग मशीन देखने को मिलेगा। ये आपका गेट ऐसा होता है काउंटर, यहाँ से ही आपकी बोर्डिंग होती है, गेट नंबर जो भी है आपका। मोस्टली अगर स्मोक करते हो एंड आप बिना स्मोक किए रह नहीं सकते हो, तो हमारे पास एयरपोर्ट पे स्मोकिंग जोन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है स्मोकिंग जोन। सो गाइस, ये हमारा स्मोकिंग जोन है, यहाँ पे आप आराम से स्मोक वगैरह कर सकते हो, फुल एसी में चिल धुएं निकाल सकते हो। सो गाइस, एयरपोर्ट पे तीन लाउंज है, एक अडानी लाउंज है, एक लॉयल्टी है एंड एक अमेरिकन एक्सप्रेस है। सो अगर आपके पास कोई भी कार्ड्स वगैरह है, तो आप यहाँ पे यूज़ करके आप आराम से रेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा है। एंड अगर आपके पास प्लैटिनियम कार्ड है, तो आपका जस्ट 1 रुपीज़ डिटेक्ट होएगा। देन यहाँ पे लॉयल्टी लाउंज जस्ट वहाँ से उसके आगे। सो गाइस, जैसे आप जाते हो एंड लाउंज में काफ़ी ज़्यादा लाइन होती है चेकिंग करने के लिए, आराम करने के लिए, तो यहाँ से भी आप हर एक आपको ये पोल के साथ मिलेगा, आप यहाँ पर स्कैन करके अपने लाउंज के लिए चेकिंग कर सकते हो। सो ये भी एक अच्छा तरीका है अपना टाइम बचाने का। गाइस, एयरपोर्ट का वॉशरूम भी किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। अगर आपको प्यास लगती है, यहाँ का पानी भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है, सो यू कैन जस्ट यहाँ से आप इसको प्रेस करके पानी पी सकते हो। देन ये हम एंटर हुए हैं वॉशरूम में। यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ पे प्रेयर रूम भी मिल जाएगा आपको, तो आप देख सकते हो ये प्रेयर रूम है। सो यहाँ पे आके लाइक आप प्रेयर वगैरह भी कर सकते हो, अगर आपकी फ्लाइट को टाइम है सो सकते हो। यहाँ पे पानी वगैरह भी है, अगर आप वजू वगैरह करना चाहते हो, नमाज पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पे प्रेयर रूम भी है, जो काफ़ी ज़्यादा पीस वाली जगह है। गाइस, सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, थैंक यू।